तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर एग्रीकल्चर। तो इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं, तो इससे ये हमें समझता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसलिए इसे बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि वाई एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए इसे समझते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है, उससे ही उनकी ज़िंदगी चलती है, उससे ही उनको पैसा आता है। अब देखते हैं दूसरा, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड वी कंज्यूम। यानी कि देखो, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उन्हें ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वो बनाते हैं, उगाते हैं, वही वो कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, देश के बाहर भी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर होता है जिससे हमें पैसा आए और हमारा देश तरक्की करे। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि कितने तरीके से खेती की जा सकती है। तो आपकी बुक में टोटल 3 टाइप्स दिए गए हैं जिससे हम फार्मिंग कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो पहला टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस टाइप की फार्मिंग जो है पुराने टाइम पे जो लोग रहा करते थे वो किया करते थे। तो इसमें छोटे से एरिया में खेती की जाती है और कोई भी मशीन का यूज़ इस खेती में नहीं होता। इस टाइप की फार्मिंग पूरा नेचर पे डिपेंड रहती है, यानी कि जब बारिश होगी तभी खेत में पानी जाएगा और कोई एक्स्ट्रा वे नहीं है पानी डालने का। और ये खेती जो है वो खुद के कंजम्पशन के लिए की जाती है, यानी कि किसी और को ना ही बेचना है उन्हें, सिर्फ उनको खुद का पेट भरना है, इसलिए ये खेती की जाती है। और इस टाइप की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसे ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना ही कोई खेत में फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है और ना ही किसी चीज़ का यूज़ होता है। तो जब एक जगह ख़राब हो जाता है लैंड, तब वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और पुराने लैंड को आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जो राख बचता है उससे सॉइल जो है वापस सही हो जाता है, उसके बाद उस ज़मीन पे वापस खेती की जाती है। इस टाइप की फार्मिंग को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखो, इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग बोला जाता है और दीपा बोला जाता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे। तो अब देखते हैं अगले टाइप का फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो समझो एक किसान है और उसके पास एकदम छोटी सी ज़मीन है और उसके घर पे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तब वो क्या करेगा, वो उसी ज़मीन पे क्रॉप ग्रो करके उससे ही पैसा कमाएगा, तब अपने घर का पेट भर पाएगा। तो वो क्या करेगा, केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेगा, ताकि क्या हो, वो ज़मीन में वो ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सके एक ही बार में। तो यही होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, कि एक ही ज़मीन पे, छोटी सी ज़मीन पे केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है ताकि ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो पाए। और हमने पिछले वाले में देखा था कि वहाँ कोई भी चीज़ों का यूज़ नहीं होता, वो पूरा नेचर पे डिपेंड रहता है। लेकिन इस टाइप की फार्मिंग में एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स। तो अब देखते हैं अगले टाइप का फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। तो देखो, ये बिज़नेस के लिए मेनली किया जाता है। देखो, जो फार्मर रहते हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर जो रहते हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करवा देते हैं। जैसे वीट हो गया, तो जितना उसका खेत है पूरा वो वीट ही ग्रो करवा देगा, और बहुत सारा केमिकल्स का, बहुत सारा फर्टिलाइज़र्स, जितना भी चीज़ होता है सबका एकदम हाई अमाउंट में यूज़ करेगा ताकि ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो। अब उससे क्या होगा, जब ज़्यादा क्रॉप ग्रो होगा तो उसको मेनली क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, तो इसे बोला जाता है कमर्शियल फार्मिंग, जब एक ही क्रॉप को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाए और बहुत ज़्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाए। आपके बुक में एक एग्जांपल भी दिया है, प्लांटेशन फार्मिंग। मतलब कि देखो, जैसे कि आप अगर टी गार्डन देखते हो, आसाम में जाते हो, तो आपको दिखेगा टी का जो लीव्स है वही आपको हर जगह दिखेगा, जो चाय पत्ती का पेड़ है वही हर जगह दिखेगा। तो जब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है तो उसे कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है, और इसका एग्जांपल है ये प्लांटेशन। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो क्रॉप है उसको किस टाइम पे ग्रो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपका जब मन किया तब आप कोई भी क्रॉप लगा दोगे,
तब वो उगेगा नहीं, तो आपको कुछ नॉलेज रहना चाहिए इसके लिए, ये हम अब पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ तीन टाइप के होते हैं, खरीफ, राबी और जेड। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ते आए होंगे, लेकिन मेरे को पता है आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए इधर देखते हैं। तो पहला है रबी क्रॉप। तो इन क्रॉप्स को विंटर में ग्रो किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसकी कटाई समर के टाइम पे होती है जो होता है अप्रैल से जून के बीच में, क्योंकि इन्हें जब बोया जाता है तब ठंडी चाहिए रहती है और काटने के टाइम पे इन्हें गर्मी चाहिए रहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स देख लो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि वीट, बारले, पी, ग्राम और मस्टर्ड। तो ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो रबी क्रॉप्स है वो ज़्यादातर इन एरियाज़ में उगाई जाती हैं। पहला तो पंजाब है, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इन सारे जगह पे ये जो रबी क्रॉप है ज़्यादातर उगाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप। तो ये क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून के टाइम पे, यानी जब पहली बारिश होती है उस टाइम से ही इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, और ये करीब सितंबर से अक्टूबर का टाइम रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप जैसे हैं पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, मूंग और ग्राउंडनट। तो ये सब आप याद रखो, एग्ज़ाम में आ सकता है। और कुछ ऐसे जगह जहाँ पर ये क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो है आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और उसके बाद ओडिशा। तो ये सारे जगह पे ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा क्रॉप ग्रो होता है वो है पैडी, यानी कि राइस। तो जो चावल है उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। और इसकी एक खासियत भी है कि आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में ये जो राइस है वो साल में तीन बार उगाया जाता है, और ये तीन बार जो उगाया जाता है तीनों का अलग अलग नाम है। पहली बार जब उगाते हैं उसको औस बोलते हैं, दूसरी बार अमन और तीसरी बार बोरो। तो ये तीन टाइप में क्रॉप राइस की ग्रो की जाती है एक साल में। तो अब नेक्स्ट आता है जेड क्रॉप। तो खरीफ और राबी के बीच में जो थोड़ा टाइम बचता है उसको जेड सीज़न बोला जाता है। ये बेसिकली वो टाइम रहता है जब तुम्हारे समर वेकेशन चालू रहते हैं, और इस सीज़न में बेसिकली कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन और बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। कुछ क्रॉप ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रो होने में पूरा साल ले लेते हैं, जैसे कि शुगर केन यानी गन्ना। तो ये पूरा साल ले लेता है ग्रो होने में। तो अब हम बात करेंगे मेन क्रॉप्स की, यानी इंडिया में जो मेन क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनकी। तो इसमें सबसे टॉप पे आता है राइस। राइस इसलिए क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा लोग चावल खाना पसंद करते हैं, और इस वजह से इंडिया में बहुत सारा चावल की खेती होती है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में। तो अब देखते हैं इंडिया में राइस की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो पहला आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और केरला। तो इन सब जगह पर बहुत सारी खेती होती है चावल की। तो राइस को उगाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री से ऊपर चाहिए रहता है, और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी कि हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, इसलिए इसे खरीफ क्रॉप बोला जाता है। तो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वीट। इंडिया में वीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इसलिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। और अब देख लेते हैं कि इसे कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, तो इन सब जगहों पे वीट को ग्रो किया जाता है, और इसको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं रहती, 50-75 सेंटीमीटर में इसका काम चल जाता है, और ये एक राबी क्रॉप है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्रॉप की तरफ जो कि है मिलेट। तो मिलेट्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो इसमें तीन टाइप के क्रॉप होते हैं, एक होता है ज्वार, दूसरा बाजरा और तीसरा रागी। और भी बहुत सारे टाइप के मिलेट्स रहते हैं, लेकिन हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला है ज्वार। तो ये बेसिकली होता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो दूसरा है बाजरा। तो ये सैंडी सॉइल या फिर शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, और इसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में उगाया जाता है। और आखिरी है रागी।
ये होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और भी बहुत सारी जगहों पे इसे उगाया जाता है। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्रॉप है मेज यानी मक्का। तो इसको 21 से लेकर 27 डिग्री तक के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है और इसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सब जगहों पर उगाया जाता है। और अब हम बात करते हैं पल्सेस यानी दाल जो हम खाते हैं उसकी। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस यानी दालों का और साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी, यानी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा दाल खाई भी जाती है। ज़्यादा इंडिया में दाल इसलिए कंज्यूम होता है क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग वेजिटेरियन हैं जिसकी वजह से उनको प्रोटीन के लिए दाल खाना ज़रूरी है। इसे कम मॉइस्चर वाली जगह और ड्राई क्लाइमेट में उगाया जाता है और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, पी, ग्राम, ये सब जो दाल होते हैं ये। इसे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जगहों पर उगाया जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अरहर को छोड़ के बाकी जितनी भी दाल होती है उन्हें लेग्यूमिनस क्रॉप बोला जाता है क्योंकि उसको लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी वापस ठीक हो जाती है क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो अब ये दाल चावल बहुत हो गया, तो अब चलते हैं अगले पार्ट पे जिसमें हम देखेंगे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें। तो पहला तो है शुगर केन यानी गन्ना। तो इंडिया इसमें भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहला कौन है? तो पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है यानी कि इसको टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री तक का चाहिए रहता है और रेनफॉल 71 से 100 सेंटीमीटर तक का चाहिए रहता है। इसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है और इस शुगर केन का यूज़ चीनी, गुड़, खांडसरी जैसी चीज़ें बनाने में होता है। अब अगला है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी ऐसी सीड्स जिससे तेल बनाया जाता है, जैसे नारियल का तेल। तो ऑयल सीड के एग्जांपल हो जाएंगे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, लिनसीड, कॉटन सीड, सीसम, सनफ्लावर और भी बहुत सारे सीड्स हैं जो एग्जांपल में आ सकते हैं। अब ज़्यादातर ऑयल सीड्स का यूज़ खाना बनाने के लिए होता है लेकिन ऐसे कुछ ऑयल सीड्स हैं जिनका यूज़ सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में और ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंडिया की फेवरेट ड्रिंक चाय यानी टी। तो इंडिया यहाँ पर भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। ये ज़्यादातर आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय में उगाई जाती है। टी को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल और वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है आप में से कुछ मॉडर्न लोगों का फेवरेट ड्रिंक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 3.2% कॉफ़ी इंडिया प्रोड्यूस करता है और हमारे यहाँ जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी टाइप की कॉफ़ी ग्रो होती है और जो सबसे अच्छी कॉफ़ी जो हमारे यहाँ ग्रो होती है उसका नाम है अरेबिका। और इंडिया में ज़्यादातर कॉफ़ी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाई जाती है। तो अब चलते हैं कुछ मीठे मीठे चीज़ों की तरफ यानी हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाना। तो यहाँ पर भी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो चलो देखते हैं ये कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं। तो पहला है मैंगो जो कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का फेमस है। दूसरा ऑरेंजेस नागपुर और मेघालय के, बनाना केरला और महाराष्ट्र का, लीची बिहार का, गुआवा उत्तर प्रदेश का, एप्पल जम्मू एंड कश्मीर का, पाइनएप्पल मेघालय का, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का। तो अब चलते हैं ऐसे क्रॉप की तरफ जो उगाई तो जाती है लेकिन खाने के लिए नहीं बल्कि कोई और चीज़ के लिए, और इस टाइप की क्रॉप को बोला जाता है नॉन फूड क्रॉप्स। तो इसमें पहला है रबर। तो रबर को उगाने के लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है और इसे रेनफॉल लगभग 200 सेंटीमीटर तक का चाहिए रहता है और टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए रहता है। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टेट रबर को ग्रो करते हैं। तो पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
तो ये सारी जो जगह है वहाँ रबर ग्रो होता है और इसका यूज़ टायर्स, फुटवेयर्स, बेल्ट, ट्यूब और भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉटन। ये मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, यानी कपड़े वगैरह बनाने के टाइम पे। यहाँ पर भी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होती है। और कॉटन जब ग्रो होता है तो उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम रेनफॉल की ज़रूरत रहती है, और 6 से 8 महीने में ये ग्रो हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर कॉटन सबसे अच्छा ग्रो होता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है। तो अब बात करते हैं जूट की। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जूट गोल्डन कलर का होता है। और इसको ग्रो करने के लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए रहती है, और हाई टेम्परेचर में ये जूट ग्रो होता है। तो कुछ स्टेट्स देख लेते हैं जहाँ पर इसे उगाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, आसाम और मेघालय में इसे उगाया जाता है। अब कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं। तो जूट को ज़्यादातर रस्सी बनाने के लिए या फिर बैग्स बनाने के लिए, जो गोनी टाइप रहता है ना, जिसमें गेहूँ भरी जाती है, तो गेहूँ का बैग जो रहता है वो जूट का बना रहता है। और कारपेट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है सिल्क। तो सिल्क को उगाया नहीं जाता है, बल्कि सिल्क वर्म होता है, उससे सिल्क निकाला जाता है। और ज़्यादातर सिल्क वर्म मलबेरी लीव्स पे पाए जाते हैं, और सिल्क जो निकाला जाता है उसे बोला जाता है सेरीकल्चर। और इसी के साथ जो क्रॉप वाला पार्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि कैसे सरकार की पॉलिसीज़ ने इंडिया के एग्रीकल्चर को चेंज कर दिया। तो इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि जो लोग हैं उनके पास इक्वल लैंड रहना चाहिए, ताकि वो उस पर खेती कर पाए। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा, लेकिन ये अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाया। सेकेंड, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो 1960 से 1970 के टाइम पे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था टेक्नोलॉजी के चलते, लेकिन इस चीज़ का भी फ़ायदा बहुत ही कम मिला था लोगों को। थर्ड, ग्रामीण बैंक्स खोले गए थे गवर्नमेंट द्वारा, जो कि लोन देते थे फार्मर्स को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, साथ ही साथ उनके क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी होने लगा था। थर्ड, गवर्नमेंट ने वेदर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स को टीवी और रेडियो पे दिखाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो फार्मर है वो अच्छे से सोच समझ के क्रॉप ग्रो कर पाए। फिफ्थ, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP इंट्रोड्यूस किया। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो फार्मर है उसको अपनी फसल का सही दाम मिल पाए और वो नुकसान में ना जाए। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो कि एकदम कम रेट करने को बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट रख दिया कि इसके ऊपर ही या इतना तो कम से कम एक फार्मर को मिलना चाहिए। सिक्स्थ, गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश की, यानी कि ICAR। इसमें ये था कि लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया जाता, फिर वेटरनरी सर्विसेज यानी एनिमल ब्रीडिंग के बारे में सिखाया जाता था। ये इसलिए किया जा रहा था ताकि एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दिया जा सके और एग्रीकल्चर में आसान से आसान चीज़ें यूज़ की जा सके। सेवेंथ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लाई गई। ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि फार्मर को उन्हें कम से कम तकलीफ देनी थी, ताकि जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो आगे भी चलता रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर की फील्ड छोड़ने लगे थे। अब ये तो हमने टोटल 7 पॉइंट्स देख लिए, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको उतने पॉइंट लिखने हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो कौन सी डालूँ, कौन से चैप्टर पे डालूँ वो भी कमेंट कर देना।